दोस्तों, आपको दो टैंक फिट करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको पसंद आए और आपको सारी इस वीडियो में ही जानकारी मिल जाए। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा तो वैसे वैसे आप अगर करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के ज़रिए। तो चलिए चलते हैं आज हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज का ये बढ़िया वीडियो। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1000 लीटर के दो टैंक का मैप रखा हुआ है। इस मैप के ज़रिए मैं आपको पूरी फिटिंग के बारे में A to Z बताऊंगा, तो देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर 1000 लीटर के दो टैंक रखे हुए हैं जो एक ही साइज़ के हैं और एक ही कंपनी के हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इनलेट का पाइप एक, और इधर दिया हुआ है आउटलेट, और यहाँ पर जो ये पाइप दिख रहा है आपको, ये है दोनों टैंक को एक कनेक्शन करने वाला, जहाँ पर हमने यूनियन दिया है। यूनियन हमने इसलिए दिया है कि यहाँ पर अगर इस टैंक को हम एक दूसरे से अलग करना चाहे तो हम कभी भी कर सकते हैं। इधर देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहाँ पर है एक वर्कफ्लो का पाइप, जो टैंक को वर्कफ्लो होने पर इसमें से आउट हो जाएगा। तो ये तो रही दोनों टैंक की 1000 लीटर वाली बात। अगर यहाँ पर हमें 500 लीटर की टैंक फिट करने के लिए मिलती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये देखिए, यहाँ पर है हमारे पास एक 500 लीटर की टैंक और यहाँ पर है 1000 लीटर की टैंक। यहाँ पर इसका निकला हुआ है आउटलेट और हमने यहाँ पर दिया था पहले यूनियन, लेकिन अब हमें यहाँ पर यूनियन नहीं देना है। अब हमें यहाँ पर देना है नॉन रिटर्न वाल, NRV जिसे कहते हैं। यहाँ पर हमें NRV देना है। उससे क्या होगा कि इधर का पानी इसमें से इधर नहीं जाएगा, यहाँ से इधर का पानी इधर नहीं जाएगा, इधर का इसका पानी इधर चला जाएगा। तो देखिए आगे क्या करना है हमें। यहाँ पर आ गया है इसका एक ये इनलेट और यहाँ पर इधर आ जाएगा इसका वर्कफ्लो, जो इसमें से वर्कफ्लो होगा इस टैंकी में से, तो ये भरेंगी इस टैंक में से ये वर्कफ्लो होगा तो ये भरने वाली है। लेकिन शर्त ये है कि ऊपर से डाला जाए, पाइप जो रहे वो टैंक के ऊपर से इसमें टैंक में इन किया जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या करना है। अब हमें यहाँ पर निकल चुका है इसका एक वर्कफ्लो का पाइप। ये देखिए आप, पूरा कंप्लीट फिटिंग का डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इधर आ चुका है एक इनलेट 1000 लीटर के टैंक में, यहाँ से निकल चुका है एक इसका आउटलेट, और इधर जो वर्कफ्लो रहेगा इसका, इस टैंक का आउटलेट, तो इस टैंक का हो जाएगा वो इनलेट। और ये यहाँ पर जो देखे रहे हैं आप, ये है NRV जो इसका काम करेंगी, इस टैंक का पानी को इधर, इस टैंक के पानी को इधर कनेक्ट करेंगी, और यहाँ पर ये जो है तो टैंक फुल होने के बाद में इधर से वर्कफ्लो हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम साइड से देते हैं, पहले हमने ऊपर से दिया था यहाँ से इसका वर्कफ्लो का पानी, यहाँ से दिया था इसमें इन किया था, अगर हम इस टैंक के साइड में देते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर हमने अगर इसमें साइड में दिया तो बाकी तो सब सेम रहेगा, अगर हमने यहाँ पर साइड में दिया तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, ये देखिए यहाँ पर हमें एक बॉल कॉक लगाना होगा। बॉल कॉक लगाए बगैर हमारा काम नहीं होगा और इसमें से हमारा वर्कफ्लो नहीं निकलेगा। 500 लीटर के टैंक में से फिर हमारा वर्कफ्लो नहीं निकल सकता, तो हमें इसका वर्कफ्लो यहीं से निकालना पड़ेगा हमें 1000 लीटर की टैंक में से। और देखिए यहाँ पर जो है, तो अगर हमें इस वैसा नहीं करते, मैंने आपको जैसे बताया, तो फिर हमें ऐसा करना होगा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये इधर आ चुका है इसका एक इनलेट, यहाँ पर है एक आउटलेट और यहाँ पर दिया हुआ है NRV, लेकिन हम यहाँ पर यूनियन भी लगा सकते हैं। NRV के बदले हम यहाँ पर यूनियन भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसको स्टैंड करना पड़ेगा।
500 लीटर की टैंक को इसकी हाइट में लेना पड़ेगा, सेम टू सेम इसकी हाइट में। अगर हम इसी की हाइट में नहीं लेते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी कि फिर वैसे ही NRV लगाकर इसको पाइप को हमें ऊपर से डालना पड़ेगा, इस टैंक के ऊपर से, 500 लीटर की ऊपर से। तो इस तरह भी हम 500 लीटर और 1000 लीटर की टैंक को फिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका वर्क फ्लो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से इसका वर्क फ्लो परफेक्टली निकल जाएगा। तो ये भी एक परफेक्ट ड्राइंग है आपके लिए, तो ये भी एक बढ़िया ड्राइंग है, मैंने आपको सभी बता दिया हूँ। तो इस तरह इस बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, इसमें ज़्यादा हार्ड तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमें लगता है कि हार्ड है, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया हूँ वैसे अगर आपने किया तो उम्मीद करता हूँ आप ना उम्मीद नहीं होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।